बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा। आखिर सोमवार के वार पर सलमान खान घर वालों की क्लास लगाएंगे या फिर कुछ मजेदार टास्क करवाते हुए नजर आएंगे, किसकी टांग खिंचाई होगी और क्या कुछ धमाल मचाने वाले हैं इस सोमवार के वार में। तो चलिए आप सभी के एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कम करते हुए हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आज के एपिसोड का प्रीव्यू। तो आपको बता दें कि आज का एपिसोड वाकई में बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि एंट्री होने वाली है स्टार कास्ट शुभ मंगल ज्यादा सावधान से आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता की, जहां पर ये तीनों मिलकर सलमान खान के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आएंगे। आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म का एक गाना गाते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ ये दोनों मिलकर नीना गुप्ता को गोलगप्पे खिलाते हुए नजर आएंगे। डिलीवरी मैन बनकर तो सलमान खान बन जाएंगे गोलगप्पे वाले। इसके अलावा यहाँ पर ये खूब मस्ती धमाल करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही सलमान खान घर वालों के साथ भी खूब मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, घर वालों को कुछ मजेदार टास्क देते हुए नजर आएंगे, जैसे कि पाप की पोटली, जहां पर घर का हर एक सदस्य हर एक की पोटली में डालता हुआ नजर आएगा ब्लैक ब्लॉक, जहां पर रश्मि देसाई की पोटली में आते सबसे ज्यादा ब्लैक ब्लॉक और इस तरीके से वो जीत जाती है ये टास्क और बन जाती है सीजन की सबसे बड़ी पापिन बट इन अ पॉजिटिव वे। और यहाँ पर रश्मि देसाई और सभी घर वाले खूब हंसते हुए नजर आते हैं और शहनाज तो सबको ज्यादा हंसाती हुई नजर आती है, क्योंकि सलमान खान शहनाज को देंगे एक टास्क कि तुम बन रही हो सिद्धार्थ और वो सिद्धार्थ को कॉपी करती हुई नजर आएंगी कि आखिर कौन से सिचुएशन में ये सिद्धार्थ किस तरीके से एक्ट करता है, कौन से तरीके में ये ज्यादा परेशान होता है तो अपने पैर हिलाता है, स्मोक भी करता है, मुझसे हमेशा पूछता है कि कहीं मैं बेड तो चेंज नहीं कर दूंगी, मेरे लिए कितना पोजेसिव है, कितना प्यारा है, कितना स्वीट है और इसका जेस्चर भी कितना कमाल का है। साथ ही साथ यहाँ पर जब पाप की पोटी वाला टास्क होगा तो घर वाले एक दूसरे के लिए बहुत ही मजेदार बात कहते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा आपको बता दे कि यहाँ पर शहनाज गिल खुद का ही पपट करती हुई नजर आएंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला को होना चाहिए ये कि वो मुझे हर्ट नहीं करे और इसके लिए उसको ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं उसकी पाप की पोटली में डालना चाहूंगी ब्लॉक। तो वही रश्मि देसाई शहनाज को लेकर कहती हुई नजर आती कि इसका कितना ही भला करो लेकिन इसको कहना यही होता है आखिर में कि साले सब फेक है। तो वही यहाँ पे पारस छाबड़ा रश्मि देसाई को बताते हुए नजर आते हैं चोर, और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला बताते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में उनके कैरेक्टर का नेगेटिव एसोसिएशन किया है एंड दैट वाज बैड। और इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके सभी घर वाले पाप की पोटली भरते हुए नजर आते हैं हर एक कंटेस्टेंट की। इसके साथ ही मजेदार बात ये होती है कि रजत शर्मा की एंट्री होती है इस सोमवार के बार में, जो कि सलमान खान को खड़े कर देते अपने कटघरे में और सलमान से पूछते हुए नजर आते कि आखिर क्यों आप हर बार ये कहते हैं कि आप शो छोड़ दें, क्या ये तरीका अपना प्राइस बढ़ाने का? तो सलमान खान खुलासा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई प्राइस नहीं बढ़ाते। तो वही यहाँ पर रजत ये भी पूछते हुए नजर आते हैं कि आखिर क्यों कहा तुमने आसिम को कि तुम्हारी वजह से उसका हिमांशी का ब्रेकअप हुआ है। तो वही सलमान ने बताया पूरा वाकया कि ऐसा हुआ कि बाहर जाके चैप्टर खत्म हो गया। तो रजत ने कहा कि ऐसा क्यों है, कि आपने ऐसा क्यों किया कि उनका चैप्टर ही खत्म करवा दिया। यहाँ पर सलमान खान कहते हुए नजर आते मजाक के अंदाज में कि मेरा नहीं हो रहा तो मैं किसी और का क्यों शुरू होने दूं। तो वही रजत कहते हुए नजर आते हैं कि मैं शादी नहीं करूं तो किसी और को भी नहीं करने दूं। और इसके बाद रजत शर्मा बाकी घर वालों को घर में खड़े करते हुए नजर आते हैं और उनसे कुछ तीखे सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। और इस तरीके से दोस्तों ये था आज के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको पता लग ही गया होगा कि आज का एपिसोड किस कदर खास, मजेदार और एंटरटेनिंग होगा। और इसी तरीके से हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, प्रीव्यू और सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।